एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइडे इवनिंग से। तो यहाँ पे देखिए, मैं बना रही थी अपने लिए एक सैंडविच, बिकॉज मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। आज लंच भी नहीं किया था मैंने, तो मैंने फटाफट से बना लिया। और बनाने के बाद पता चला कि ब्रेड से सारी वेजिटेबल्स बाहर निकल गई थी। एक्चुअली ये ब्रेड टूट गई थी। तो एनीवेज, जैसा भी था मैंने जल्दी से खाया। एंड इवनिंग में हम लोगों को जाना था मार्केट, तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए थे यहाँ पे, बिकॉज़ हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, साथ में कबीर के लिए कुछ लेना था। तो बस हम लोग यहाँ पे आए थे। तो बेसिकली हमें स्टेशनरी का सामान लेना था और कबीर के फ्रेंड का बर्थडे था, तो उसका बर्थडे गिफ्ट भी परचेस करना था। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे आते साथ ही कबीर को भी काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी और मेरे हस्बैंड को भी। तो हम लोगों ने वही आलू पराठा खाया जो मैं आपके साथ लास्ट ब्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। जो भी लोग नए हैं तो वो पुराने ब्लॉग्स में देख सकते हैं, वो बहुत ही टेम्पटिंग आलू का पराठा होता है। तो आज हम लोगों ने एक एक आलू का पराठा खाया, और यहाँ से देखिए हमने कबीर का स्टेशनरी का सामान परचेस किया। उसके बाद कबीर ने और भी टॉयज पकड़ लिए थे कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, तो वो भी लिए। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान खरीदना था वो लिया। एंड देन हम लोग घर वापस आ गए थे अराउंड 1 आवर में। तो तीनों आलू का पराठा खा के आ गए थे। तो आज का डिनर तो बस वहीं से हो गया था डन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज मॉर्निंग का टाइम हो गया है और आज मुझे करने काफ़ी सारे काम। सबसे पहले तो मुझे वॉशिंग का काम करना है, जो कि कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, तो सबसे पहले मैं वो करूँगी। सेकेंड थिंग, अपने बालों पर ना कंडीशनिंग के लिए मंथ में एक बार मैं मेहंदी लगाती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आज लगा ली जाए, काफ़ी दिन से डाल रही हूँ। एंड यू कैन सी दिस आईब्रोज, काफ़ी दिन से बड़ी हो चुकी है। एक वीक से मैं सोच रही थी कि मैं करा लूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैं सोच रही हूँ, वीकेंड स्टार्ट हो गया है तो मैं वो भी करा लेती हूँ। लेट्स सी कि क्या क्या काम हो पाता है आज के दिन में। और आज कबीर का भी हॉलीडे है, तो जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए, मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना गाइस। एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ले ली है मेहंदी, साथ में यहाँ बॉयल कर लिया है चाय पत्ती का पानी। तो ये जो पानी है ना, मैं इससे मेहंदी को घोलूँगी। एंड थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको, मेहंदी को मैं घोलती हूँ। एंड देन लास्ट में इसमें थोड़ा सा दही और एक एग भी डाल देती हूँ। और मैं इसके साथ इसमें यूज़ करती हूँ, आपको दिखाती हूँ, दिस ये हरजोत का पाउडर है। इट्स रियली गुड फॉर हेयर्स। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे ही इसका पेस्ट बना के आप लगा सकते हो, और चाहो तो इसको मेहंदी में मिक्स करके आप अपने हेयर्स पे लगा सकते हो। और इसके अलावा आंवला पाउडर भी मेरे पास रखा हुआ है, उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो दोस्तों, अभी कुछ देर के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। आफ्टर थोड़े देर के बाद, जब ये फूल जाएगी हाफ एन आवर के बाद, तो मैं इसमें ये वाला पाउडर 1 चम्मच ऐड करूँगी, साथ में 1 चम्मच आंवला पाउडर ऐड करूँगी। एंड देन इसको, इसमें दही डालूंगी, एक एग डालूंगी, एंड देन इसको अपने हेयर्स पर अप्लाई करूँगी। तो अभी थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी, बिकॉज इसके लम्ब्स हैं ना जो, वो अभी हार्ड हैं। थोड़ी देर फूलने के बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे। देन मैं ये थोड़ा सा पानी मैंने बचा दिया है, देन मैं इसमें फिर से इसको अच्छे से लाइक फेंटूँगी, एंड देन इसको अपने हेयर्स पे अप्लाई करूँगी। तो दोस्तों, यहाँ मैंने एक एग भी इसमें मिक्स कर दिया है, और ये जो पाउडर मैं मिक्स कर रही थी उसका, ये आंवला पाउडर मेरा थोड़ा सा गिर गया। तो एनीवेज, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यू कैन सी अभी आधा घंटा हो गया है, तो ये कितने अच्छे से स्मूथ हो गया। अभी मैं इसे और थोड़ी देर मिक्स करूँगी, एंड देन हेयर्स पर अप्लाई करूँगी। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ मैं मेहंदी एप्लीकेशन कर रही थी अपने हेयर्स पे, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया जाए। तो यहाँ मैंने एक टेल कॉम ली थी, एक स्प्रे बॉटल ली थी जिसमें पानी फिल कर लिया था। तो इसमें ना, स्प्रे करके आप बालों को सुलझा लेते हो ना, तो एप्लीकेशन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और जब भी मैं मेहंदी अप्लाई करती हूँ, तो इसी तरीके से ऑल ओवर हेयर्स पर अच्छे से पानी स्प्रे कर लेती हूँ, तो एप्लीकेशन करना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज हेयर्स ऑलरेडी ड्राई होते हैं और जब हम मेहंदी अप्लाई करते हैं तो काफ़ी टूटते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने बालों को अच्छे से सुलझा लिया था, एंड देन अब मैं छोटा छोटा पार्टीशन लेके अपने हेयर्स को लाइक मेहंदी लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये मेहंदी घोल के रखी थी, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, और अब यहाँ पे मैंने हेयर्स का जिस तरीके से इतना छोटा पार्टीशन लिया है, सारे हेयर्स का इतना ही पार्टीशन लूँगी, और इसमें स्टार्टिंग से मेहंदी लगाऊँगी, फिर लेंथ पर लगाऊँगी। एंड देन अप्लाई करने के बाद इसको सर्कल में टर्न कर दूंगी, लाइक आप जैसे जूड़ा बनाते हो ना, उसी तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से जब एक दो बार हम लोग ऐसा करते हैं, लाइक एक दो पार्टीशन लेके हम जब इसको ऐसे टर्न करते हैं, तो ये
थोड़ा बहुत खिसकता है, देन ये एक जगह पे ही स्टे हो जाता है आराम से। और इस तरीके से मैं अपने हेयर्स पे मेहंदी लगाती हूँ, आप चाहो तो घर पे इसी तरीके से मेहंदी लगा सकते हो। एक दो बार ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मुझे 15 मिनट ही लगता है अपने हेयर्स पूरे हेयर्स पे मेहंदी अप्लाई करने में। और देखिए यहाँ पे मैंने इसको टर्न कर लिया, अब ऐसे ही मैं सारे हेयर्स का पार्टीशन लेती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा, एंड देन अप्लाई करती जाऊँगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पूरे हेड पे मेहंदी एप्लीकेशन कर सकते हो। हालांकि मेरा ये जूड़ा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, एंड देखिए मेहंदी भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, इसमें मुश्किल से 15-20 मिनट लगता है, पार्टीशन लेके एक के बाद एक आपको रोल करते जाना है। एंड अगर आप हेयर में वाटर स्प्रे कर लोगे तो बहुत ही ईजी हो जाता है लगाना। तो बस इसको मैं रखूँगी 2 घंटे, एंड 2 घंटे के बाद इसे वॉश कर लूँगी। इसको वॉश करने का भी बहुत ही ईजी तरीका है, टैप के वाटर के नीचे जस्ट अपना हेड कर लीजिए, एंड देन वाटर से उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। डायरेक्टली टैप के नीचे अपना हेड कर लोगे ना तो बाल जो है ना वो उलझेंगे भी नहीं, और इजीली आपकी सारी मेहंदी रिमूव हो जाएगी। और 1 या 2 दिन आप जैसे इसको ड्राई रखना चाहते हो आप रखो, एंड देन हेड पे अच्छे से ऑयल मसाज करके आप अपना नेक्स्ट डे शैम्पू कर सकते हो। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और जिनको भी मेहंदी एप्लीकेशन करना टफ लगता है, तो यू कैन सी मेरे कितने लंबे बाल हैं और मैंने इजीली कर लिया, तो आप भी ट्राई करोगे तो आप इजीली कर पाओगे गाइस। तो दोस्तों आज कबीर को जाना था अपने फ्रेंड के बर्थडे पे, और वो बहुत एक्साइटेड था तो टाइम का वेट कर रहा था, बिकॉज मैं उसे ट्यूशन भेजने वाली थी, एंड ही वाज सेइंग मी कि ट्यूशन नहीं जाना है मम्मा, और मैं बस अपने फ्रेंड के बर्थडे पे ही जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए उसने गिफ्ट भी रखा हुआ है अपने फ्रेंड के लिए, और यहाँ पर वो एक्साइटेड बैठा हुआ था, बट आई वॉज सेइंग हिम कि नहीं पहले ट्यूशन जाओ एंड देन आप अपने फ्रेंड के बर्थडे पे जाना। तो बस गाइस यहीं पे मैं उससे बातें कर रही थी, बट यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और फाइनली यहाँ पे देखिए 4 o'clock का टाइम था, तो मैं पी रही थी चाय, और साथ में मैं ये पीनट्स आज ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, हींग जीरा वाला, एंड इट वॉज़ रियली नाइस। तो वैसे मैं सोचती हूँ ना चाय के साथ कुछ हेल्दी खा लूँ, तो आई थॉट कि पीनट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए कबीर इज़ वॉचिंग टीवी, अब मैं इसे जाऊँगी ट्यूशन छोड़ने। तो दोस्तों ट्यूशन से आने के बाद मैं उसके फ्रेंड के यहाँ उसे बर्थडे पार्टी के लिए छोड़ने गई थी, और वहाँ से व्यू इतना अमेजिंग था ना, ऊपर का टॉप फ्लोर था इस वजह से। तो फाइनली मैं वहाँ से इसको छोड़ के वापस आ गई थी, एंड देन थोड़ा सा अपना काम घर का निपटाया मैंने। तो दोस्तों अभी हो गया इवनिंग का टाइम और अराउंड 6 o'clock हो रहा है, तो आपको मैंने मॉर्निंग में मेहंदी लगाई थी, तो यू कैन सी द रिज़ल्ट। और इसमें जो ये कलर शेड आ रहा है आई लव इट। तो गाइज़ आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, मेहंदी के लगाने के बाद ना जो हेयर ड्राई हो जाते हैं, काफ़ी लोगों के हो जाते होंगे, तो उनको मैं कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ। आप एक तो मेहंदी लगाइए, अगर आपके थिन हेयर से तो आप ज़रूर से मेहंदी लगाइए, बिकॉज मेहंदी लगाने के बाद आपके हेयर्स पे एक मेहंदी की कोड आ जाता है जो कि आपके हेयर्स को थिक दिखाता है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप मेहंदी एप्लीकेशन करते हो तो मंथ में एक बार कीजिए, नॉट मोर देन दैट, उससे आपके हेयर्स ड्राई भी नहीं होंगे। और उसके बाद जब आप मेहंदी एप्लीकेशन कर लेते हो, उसके बाद अपने हेड को वॉश कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, एक मग में पानी लेना है और उसमें एक लेमन डालना है, और उसी पानी से लास्ट जो आप लाइक हेड वॉश करने के बाद अपने हेयर्स को टॉवल से ड्राई कर लीजिए, उसके बाद वो जो मग आपने पानी वाला और लेमन वाला बना के रखा है ना, उसमें अपने बालों को डिप कर लीजिए या फिर डायरेक्टली डाल दीजिए, एंड देन अपने हेयर्स को आप ड्राई कर सकते हो। तो उससे ना आपके हेयर्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, इनफैक्ट जो खुशबू आएगी ना, वो अगर आपने एग डाला है या कुछ भी डाला है मेहंदी में, तो मेहंदी की स्मेल नहीं आएगी और एग की स्मेल नहीं आएगी, इनफैक्ट बहुत अच्छी खुशबू आएगी। एनीवेज देखिए आज मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, और आई थिंक 2 दिन तक ना ये बाल ऐसे ही लगेंगे, उसके बाद मैं अपना हेड वॉश कर लूँगी, देन लेट्स सी। तो गाइज अभी कबीर चला गया अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, और मैं फ्री हूँ, तो यू कैन सी, मैं दिखाती हूँ अभी, इतने सारे आप कपड़े देख रहे हो ना, ये आज मैंने वॉश किए थे, अभी बालकनी से उठा के लाई हूँ, बस अभी मैं इसे फोल्ड करूँगी, देन डिनर में आज मैं लेट्स सी कि क्या बनाती हूँ। तो थोड़ी देर में आप लोगों से मिलूँगी, आई एम लविंग दिस। आप लोगों को भी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप लोग ये ट्रिक्स जो मैं बताती हूँ ना, ये ट्राई करके मुझे बताया करो यार, अगर ट्राई करते हो तो मुझे बताया करो कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। इतना खुश क्यों है, आ गए बर्थडे पार्टी से, ये क्या है, स्मार्ट वॉच कहाँ से मिली, वो रिटर्न गिफ्ट मिला। रिटर्न गिफ्ट मिला, अरे वाह, एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया। आपकी कलाई बिल्कुल पतली सी है, लेकिन दिखाओ, इट इज ब्यूटीफुल बेटा, अच्छी है।
और क्या क्या किया आपने? बहुत मजे किए, बहुत खाना खाया, फ्राइज खाए, वो स्माइलीज खाए, चीज बॉल्स खाए और कोल्ड ड्रिंक पी। मम्मा तो आपके लिए इतना सारा डिनर बना रही है, खाओगे? डिनर करोगे? अभी थोड़ी जगह बना लो पेट में अपने, है ना? चेंज तो कर लो। क्यों थक गए हो बेटा? चेंज कर लोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, रिलैक्स हो जाओगे थोड़ा। आज तो कबीर बहुत स्मार्ट लग रहा है ना? आज अपनी वॉच क्यों नहीं पहन के गए आप? नहीं, ये तो आपको वहाँ से मिली, लेकिन यहाँ आपकी जो आपकी खुद की वॉच है वो क्यों नहीं पहन के गए? आप तो अच्छे लग रहे थे, आपने वॉच मिस कर दी। अपनी वॉच अब ऊपर निकाल के रख लेना, आप भूल जाते हो ना कहीं भी जाते हो तो। ठीक है, ओके बेटू, ठीक है। ही सो हैप्पी। तो दोस्तों, अभी हो गया है डिनर का टाइम और आई एम थिंकिंग कि आज क्या बनाऊं। तो राजमा तो वैसे रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा ये बैंगन और आलू की भुजिया टाइप्स बनाऊंगी मैं आज। तो क्योंकि मैंने बैंगन मोटे मोटे चॉप किए हैं बिकॉज़ ये जल्दी पक जाते हैं, एंड आलू को एकदम पतला पतला फ्रेंच फ्राइज़ की तरह चॉप किया है बिकॉज़ ये टाइम लेता है। तो बस अभी मैं इसकी जल्दी से क्विक सी भुजिया बनाने वाली हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए आलू बैंगन जो मैंने बनाया है ना, इसको जस्ट मैंने अभी जस्ट ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। अभी कोई मसाला नहीं डाला है, सिर्फ नमक डाला है इसमें, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग और लहसुन एंड मेथी से इसको फ्राई कर रही हूँ। और बस अभी जब ये थोड़ा सा पक जाएगा देन सारे मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये भुजिया ना बहुत टेस्टी लगती है, मेरी मम्मी बनाती हैं बट वो विदाउट आलू बनाती हैं, मैं विद आलू बना रही हूँ बिकॉज़ मेरे हस्बैंड अकेला बैंगन का सब्ज़ी तो नहीं खाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसमें आलू भी डाल दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हाफ 50% डन हो गई थी, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही थी सारे मसाले। तो सबसे पहले मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला था, देन हल्दी डाली थी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, एंड देन इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। नमक मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डाल दिया था, उसमें जीरा पाउडर डाला था, एंड देन कुटी हुई वाली लाल मिर्च होती है ना जो काफ़ी तीखी होती है, वो थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड की थी। एंड मिक्स करने के बाद अगेन इसका जो कैप था वो ढक दिया था, और ये देखिए ये बन के फाइनली रेडी हो गई थी। कैसी दिख रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस। अगर ये ना आप किसी भी लाइक दाल के साथ, कढ़ी के साथ इस भुजिया को बना के खाते हो ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज घर में ऑलरेडी राजमा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि साथ में ये भी बना लेती हूँ, तो काफ़ी ऑप्शन हो जाते हैं लोगों को खाने के लिए। तो और मेरे घर में तो हमेशा तीन लोग हैं, बट तीनों को अलग अलग खाना होता है। कबीर को कुछ और खाना होता है, हस्बैंड को कुछ और खाना होता है, और मुझे तो पता नहीं क्यों रोटी सब्जी खाने का मन ही नहीं करता, फिर भी मैं खा लेती हूँ, व्हाट टू डू। तो फ्रेंड्स, ये था संडे वाला दिन और आफ्टरनून का टाइम हो रहा था। आज मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो मैंने मॉर्निंग में बनाए थे दाल चावल, जो कि आफ्टरनून के लंच में मैं निकाल के खा रही थी। और कबीर ने करवाया था अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर, जो कि डिलीवरी में लगा दिया था 1 घंटा। तो मैं वेट करते करते थक गई थी, तो आई थॉट कि अपने लिए दाल चावल निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने 3 बजे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और आया था ये अराउंड 4 o'clock के करीब। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी, और कबीर को ना जब भी पिज़्ज़ा खाना होता है ना, ही इज़ लाइक कि मम्मा हम ऑर्डर कर लेते हैं, वहाँ जाके नहीं खाना है मुझे। दिखा रही थी बिकॉज़ हम लोग जा रहे थे मॉल, और इवनिंग में हस्बैंड के आने के बाद मैंने उन्हें बोला कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, बिकॉज़ होल डे वी वर एट होम। और संडे को जब वो घर पे होते हैं तो हम लोग हमेशा ही कहीं जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। और आज वो थोड़े
लाइक आज उनका ऑफिस था तो इस वजह से उनके पास टाइम नहीं था। तो इवनिंग में हमने सोचा नियर बाय ही एक मॉल है तो वहाँ चले जाते हैं। तो मॉल जाने के बाद वहाँ पे भी काफ़ी क्राउड थी, क्राउडेड आई थिंक इसलिए भी था बिकॉज आज संडे है और सेकंड थिंग 15 अगस्त आने वाला है और वहाँ कोई कॉन्सर्ट भी हो रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था गाइस। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने टाइम वहाँ पर स्पेंड किया एंड देन कुछ शॉपिंग की DIY से, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मैंने क्या परचेज़ किया। तो दोस्तों वैसे तो हम लोग किसी स्टोर में नहीं गए, बस सिर्फ DIY में गए थे और थोड़ा सा स्मार्ट बाज़ार गए थे जहाँ से हमें थोड़ा सा सामान परचेज करना था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बॉटल्स थे कांच के काफ़ी ब्यूटीफुल थे और उसके अलावा इन जार्स के अलावा ना बहुत सारी ऐसी क्यूट क्यूट चीज़ें थी ना, तो हर किसी का तो मैं वीडियो बनाना पॉसिबल हो नहीं पाया बिकॉज आपको पता है क्राउड इतना ज़्यादा था ना आज बिकॉज ऑफ संडे। और ये जो डाइनिंग मैट्स थी ना ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और गाइस काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी मिलती हैं। और यहाँ पे भी मैं आई थी बट मुझे काफ़ी सारी ना किचन के आइटम्स देख के मन कर जाता है ये भी ले लो वो भी ले लो, बट हर चीज़ नेसेसरी नहीं होती है। और ये फाइबर की प्लेट्स थी जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थी और मुझे इनके कलर्स बहुत पसंद आ रहे थे। तो दोस्तों किसी भी शॉप में जब मैं किचन डिपार्टमेंट में घुस जाती हूँ ना तो मुझे वहाँ से बाहर आने का मन ही नहीं करता है और काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हमने परचेज़ की हैं तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें थी जो आप चीज़ें सोच भी नहीं सकते हो ना, वो चीज़ें भी यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं, मिल जाती हैं ईजीली। और मुझे ना मैक्सिमम जो टूल्स होते हैं ना रिलेटेड टू द ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कहीं नहीं मिलते ना, वो मुझे इजीली यहाँ पे मिल जाते हैं। तो एनीवेज ये बाहर निकल के हम लोग आ गए थे और आज कुछ कॉन्सर्ट हो रहा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और गाइस बाहर बस हम लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, देन हम लोग अराउंड 1 आवर के करीब यहाँ रुके थे एंड देन घर वापस चले गए थे बिकॉज ऑब्वियसली हस्बैंड ऑफिस से आए थे तो उनको काफ़ी थकान हो रही थी, इवन मुझे यहाँ वॉक करते करते थकान हो गई थी। तो दोस्तों वैसे तो मुझे शॉपिंग करनी नहीं थी बट मैं जब DIY स्टोर में गई ना तो वहाँ पे इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें मिलती हैं ना, तो कुछ नेसेसरी वाली जो चीज़ें थी वो मैंने परचेज़ की थी। तो वो मैंने सोचा कि चलो आपको इसी ब्लॉग में दिखा दूँ, बट मुझे ना ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इस वजह से मैंने इसमें आपके साथ शेयर नहीं किया, तो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। और गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और गाइस हमेशा की तरह बोल रही हूँ कि जो भी लोग नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक कि अपना ढेर सारा ख्याल रखना, बाय बाय।